बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब व्यूवर्स? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, सूजी का हलवा। तो चले मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी, तकरीबन 2 कप सूजी है ये। ये कप मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसमें तकरीबन 2 कप पूरे भरे हुए थे ये सूजी के। और इसी कप से मैंने चीनी को मेजर किया है, 2 कप चीनी है ये। और इसी कप से मैंने घी को मेजर किया है, तकरीबन 1.5 कप घी है ये। आप डालडा घी इस्तेमाल कर लें या फिर आप देसी घी इस्तेमाल कर लें। इसी कप से 4 कप पानी है, मैंने ये जग में लेकर रखा हुआ है जो हम हलवे में यूज़ करेंगे। आप क्वांटिटी देख लें, 2 कप सूजी, 2 कप चीनी, 1.5 कप घी और 4 कप पानी। इसके अलावा मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश, काजू, पिस्ता और बादाम। इसमें से आप कुछ स्किप करना चाहें तो इट्स अप टू यू, कर सकते हैं। मेरे पास नारियल है, मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और एक चुटकी जर्दा रंग मैंने 1 टेबलस्पून दूध में डाल के इसको मिक्स करके रख लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं सूजी डाल दूंगी और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी, इसकी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर गोल्डन हो जाए। 3 से 4 मिनट सूजी को मैंने इस कढ़ाई में रोस्ट किया है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आने लग गई है पूरे किचन में। जब आपको ये अरोमा फील होने लग जाए तो बस हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं ये चीनी लूँगी और एक पैन में चीनी डाल दूँगी और 1-4 कप पानी हमने लिया था, ये भी हम इसी चीनी में ऐड कर देंगे। इसका हमने शीरा नहीं बनाना, जस्ट एक उबाल आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इस पानी और चीनी को डिसॉल्व करना है। चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है पानी में, एक बॉयल इसको आ गया है। तो अब हम इस पानी को इस बाउल में निकाल देते हैं। जी तो चीनी वाला पानी हमने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने सूजी रोस्ट की थी घी डाल देंगे और अब इस घी में हम सूजी को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। जैसे ही ये घी गर्म होगा हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। घी ऐसा ऐसा गर्म हो रहा है, तकरीबन सारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं। अब हम घी में सूजी को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सूजी थोड़ी सी और गोल्डन हो जाए और ये हलवा बहुत मज़े का बने। फ्रेंड्स, ये हलवा बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे दानेदार हलवा होता है। आप इसको पूरी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, टोटली आपकी चॉइस है। सूजी घी में फ्राई हो रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैल चुकी है वो खुशबू। ऐसे आपको मैं बता नहीं सकती, जब आप ख़ुद बनाएंगे इसको ट्राई करेंगे तो ही आप उस खुशबू को फील कर सकेंगे। इस पॉइंट पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। और ये नारियल भी, ताकि ये भी कुछ देर घी के साथ फ्राई हो जाए। बस हम इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे और उसके बाद जो हमने पानी बना के रखा था चीनी के साथ मिक्स करके वो ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए इसमें फ्राई हो रही हैं चीज़ें। बस इस पॉइंट पे अब हम इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल ऑफ कर देंगे
और अब ये पानी मैं ग्रेजुअली इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। आपने बच के पीछे होके करना है क्योंकि घी बहुत गर्म है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना। हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इस टाइम पे हम इसमें ये जर्दा रंग जो मैंने दूध में घोल के रखा हुआ है ये डाल देंगे ताकि हलवे का कलर बहुत ही खूबसूरत येलोइश हो। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी क्योंकि अब घी के साथ जब ये फ्राई होगी सारी चीज़ें और सूजी तो ये बड़े बड़े से इसके बबल्स बनेंगे और आपने ध्यान से इसमें चम्मच चलाना है कि आपके हाथ पे बबल्स जो हैं वो पड़ ना जाए उसका छींटा और आपका हाथ कहीं जल ना जाए। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक के घी अलग ना हो जाए और हमारा हलवा पैंदा छोड़ दे इस कढ़ाई का। आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स आप देखें कि हलवे ने घी छोड़ दिया है और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो हमारा गरम गरम सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत मज़े का बना है और आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।